चलो तो फाइनली हमारा ये हाइपर रियलिस्टिक टाइगर का ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अभी मैं इस वीडियो को एडिट करके बाद में अपलोड कर दूंगा। तो फिर मैं नेक्स्ट ड्राइंग कौन सा ड्रॉ करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो चलो आपका एक कमेंट देख लेता हूँ, आप लोग ने क्या क्या कमेंट किया है ड्रॉ करने के लिए। ओ माय गॉड इतना सारा कमेंट। राम जी का ड्राइंग करो, राम नवमी के लिए ड्राइंग करो, राम जी फोर राम जी का ड्राइंग करो, स्केच नहीं भी किया है। क्या सच में गाइस? तो आज डेट कौन सा है? आज तो गाइस 19 है, आज तो 19 है गाइस। तो गाइस देखते हैं गाइस 30 का पहले गाइस ड्राइंग कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। बाय द वे गाइस मेरे को लग रहा है कि हो ही जाएगा, बट गाइस देखते हैं। एंड गाइस मैं राम जी का ड्राइंग में अपना 100% दूंगा। एंड गाइस मैं ये ड्राइंग को करने के लिए गाइस मैं जी जान लगा दूंगा। तो मैं गाइस रेफरेंस फोटो गाइस मैं कौन सा ड्रॉ करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले फोटो को चूज़ कर लेते हैं। बट अभी गाइस मैंने फोटो तो चूज़ कर लिया है, बट ये तीन फोटो को गाइस मैं कैसे ड्रॉ करूँगा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ गाइस ये तीनों रेफरेंस फोटो गाइस लेके मिक्स करके गाइस एक रेफरेंस फोटो बनाए तो कुछ इस टाइप का। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये रेफरेंस फोटो, इसी रेफरेंस फोटो गाइस ड्रॉ करेंगे। एंड हाँ गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाइस ये रेफरेंस फोटो गाइस ड्रॉ करेंगे। तो चलो गाइस बिना कुछ देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे कैमरा भाई चलो ड्रॉइंग करना है। तो गाइस मैंने आउटलाइन गाइस ड्रॉ कर लिया है। एंड गाइस आउटलाइन का ट्यूटोरियल गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले जाकर राम जी का आउटलाइन ड्रॉ कर लो, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं राम जी का आइस ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड डार्क एरियाज के लिए गाइस मैंने 4B का पेंसिल यूज़ किया है। एंड गाइस आप लोगों को गाइस लेयर वाइज जाना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई कर दिया। एंड गाइस अभी मैं सेकंड लेयर अप्लाई करूँगा 2B का पेंसिल से। एंड गाइस ये मेरा येलो एंड ब्लू वाले मैकेनिकल पेंसिल गाइस दोनों में गाइस 2B का लीड है। बट गाइस एक 0.5 का एक 0.3 का है। एंड यहाँ लास्ट में गाइस मैं ब्लेंड कर दूंगा। फिर गाइस लास्ट में हल्का फुल्का जो हाइलाइट्स वगैरह होगा वो गाइस मैं नीडेड इरेजर से गाइस में दे दूंगा। एंड गाइस हमारा पहला आइस ड्रॉ गाइस ड्रॉ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो सेम प्रोसेस का अप्लाई करते हुए गाइस हम लोग सेकेंड आइस भी गाइस ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर के बाद गाइस मैं कॉटन से गाइस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। आप लोगों के पास जो भी है गाइस ब्लेंड कर देना, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों का टिश्यू है तो टिश्यू से करना, नहीं तो गाइस ब्लेंडिंग ब्रश से कर देना। तो यहाँ पर गाइस मैं सेकेंड लेयर अभी अप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड लेयर गाइस मैं हल्का प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ। एंड अच्छे से गाइस लाइट को गाइस ऑब्जर्व करो गाइस किधर से लाइट पड़ रहा है एंड किधर में डार्क है। एंड गाइस आप लोग कोई भी ड्राइंग करो गाइस आप लोग लाइट टू डार्क में ही जाना। एंड गाइस जितने भी डार्क एरियाज देख रहे हो उसको गाइस एक ही बार में डार्क मत कर देना, लेयर वाइज ही करना। फर्स्ट लेयर अप्लाई करके सेकंड लेयर अप्लाई करके ऐसे करके। तो यहाँ पर गाइस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली गाइस ब्लेंड हो गया। तो आप लोग गाइस लेयर वाइज काम करोगे ना तो गाइस आप लोग भी गाइस जरूर इस टाइप का गाइस ड्राइंग कर पाओगे। तो अभी गाइस यहाँ पर नोज को गाइस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। नोज में देखो गाइस मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई करके कॉटन से गाइस मैंने ब्लेंड कर दिया। अभी गाइस जो भी हाईलाइट है उसको गाइस मैं नीडेड इरेजर से गाइस मैंने इरेज कर दिया। अभी गाइस मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ 2B का पेंसिल से। तो अभी गाइस मैं काफ़ी स्लोली स्लोली गाइस मैं डार्क एरियाज को गाइस मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी गाइस राम जी का गाइस राइट साइड में गाइस नोज में गाइस थोड़ा डार्क एरियाज है, क्योंकि गाइस इस साइड से लाइट आ रहा है तो इस साइड में गाइस शेडो है। तो इस साइड में गाइस हम लोग हल्का सा थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके गाइस शेडिंग करेंगे। एंड हाँ गाइस ऐसे ही आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइस ड्रॉ करना है जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ। एंड तब तक के लिए गाइस देखो गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले कर दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो गाइस बोर हो जाओगे। तब तक के लिए गाइस देखो एंड मेरे को जहाँ जहाँ बोलना है गाइस मैं वहाँ वहाँ पर बोलूँगा। तो अभी गाइस मैंने लिप्स में शेडिंग कर दिया। अभी गाइस मैं आईब्रोज में कर रहा हूँ। सबसे पहले गाइस मैंने फर्स्ट लेयर अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर नॉर्मल गाइस मैंने शेडिंग कर दिया। एंड उसके बाद गाइस मैं मैकेनिकल पेंसिल से एक एक स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें गाइस 2B का लीड है, ये 0.3 का है ब्लू वाला। एंड फिर गाइस मैंने ब्लेंड कर दिया। अभी येलो वाले से गाइस मैं थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके गाइस मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। फिर गाइस मैंने हाईलाइट्स दे दिया। एंड गाइस आप लोग लास्ट में 4B पेंसिल से डार्क एरियाज को गाइस कवर कर लेना, मतलब कि जितने भी गाइस डार्क हेयर्स दिख रहे हैं उसको गाइस अप्लाई कर देना। जैसे गाइस हम लोग ने फर्स्ट आईब्रोज गाइस ड्रॉ किया वैसे गाइस सेम गाइस हम लोग ये वाला आईब्रोज भी गाइस ड्रॉ कर लेंगे। एंड गाइस आप लोग अच्छे से देखोगे तो गाइस आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइस ब्लू वाले मैकेनिकल पेंसिल में एंड येलो वाले मैकेनिकल पेंसिल में दोनों में गाइस 2B का लीड है। येलो वाला गाइस 0.5 का एंड ब्लू वाला गाइस 0.3 का है। एंड ब्लैक वाले में गाइस 4B का लीड है।
तो हाँ गाइस, हमारा दोनों आईब्रोज गाइस कंप्लीट हो गया। अभी गाइस मैं हेड को गाइस ड्रॉ कर रहा हूँ। हेड में गाइस मैं फर्स्ट एड अप्लाई करूँगा, फिर गाइस मैं कॉटन से ब्लेंड करूँगा सेम गाइस जैसे गाइस मैंने नोज में गाइस मैंने बताया गाइस मैं वही रूल का गाइस मैं अप्लाई करूँगा। अभी गाइस मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद गाइस मैं डार्क एरियाज को इसमें कवर करूँगा। एंड आप लोग गाइस देखो गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो गाइस समझ में आ जाएगा। एंड गाइस मैं ज़्यादा बोलूँगा तो गाइस बोर हो जाओगे। तब तक के लिए गाइस मैं काफ़ी अच्छा सा बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले कर दे रहा हूँ, वीडियो को एंजॉय करो। एंड ना गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना। अभी यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस मैं राम जी का यहाँ पर चीक को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चीक में गाइस मैं सबसे पहले फर्स्ट एड अप्लाई कर दिया काफ़ी अच्छे से, एंड पैचेस वगैरह गाइस मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसके बाद गाइस मैं कॉटन से काफ़ी अच्छे से गाइस मैंने ब्लेंड कर दिया। पहला स्टेप हो गया गाइस। अब सेकंड स्टेप में गाइस हम लोग सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे 2B पेंसिल से, उसको भी गाइस कॉटन से ब्लेंड कर देना। तो अब फिर गाइस मैं थर्ड लेयर में गाइस मैं 4B या फिर 3B पेंसिल से गाइस मैं शेडिंग कर रहा हूँ। आप लोगों के पास जो भी है उससे कर सकते हो। ये गाइस मैकेनिकल पेंसिल है गाइस जिसमें 2B का लीड है, तो मैं थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करके गाइस इससे गाइस मैं शेडिंग कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो 3B एंड 4B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। एंड इस साइड में गाइस मैं जैसे चीक को गाइस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम उस साइड भी गाइस मैं वैसे ही ड्रॉ करूँगा। अभी गाइस यहाँ पर मैंने स्मूथ वाले ब्रश से गाइस मैंने ब्लेंड कर दिया, उसके बाद गाइस मैंने कॉटन से हल्का हल्का गाइस ब्लेंड कर दिया। तो गाइस देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा स्मूथ रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे गाइस आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली आप लोग भी इस टाइप का स्मूथ रिजल्ट गाइस अचीव कर पाओगे। तो गाइस देखो गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड तब तक के लिए गाइस अभी आप लोग ड्रॉ करो, हमें हेयर गाइस कैसे ड्रॉ करना है तब मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो अभी गाइस मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग गाइस रेफरेंस फोटो में हेयर गाइस बिल्कुल गाइस ब्लैक दिख रहा होगा, बट गाइस आप लोगों को सीधा ब्लैक नहीं कर देना है, बट गाइस आप लोग हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक को अप्लाई करना है जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ। और ऊपर से नीचे के साइड में गाइस हेयर का डायरेक्शन है तो वैसे गाइस आप लोग अप्लाई करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है गाइस किस साइड से आ रहा है। एंड हाँ गाइस यहाँ ब्लैक है हेयर, तो गाइस आप लोगों को सीधा ब्लैक नहीं कर देना है। सीधा गाइस ब्लैक कर दोगे तो गाइस आप लोग को 3D इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे ही गाइस अभी मैं कर रहा हूँ, देखो गाइस मैं कैसे लेयर वाइज गाइस काम कर रहा हूँ। तो ऊपर से गाइस नीचे के डायरेक्शन में गाइस मैं स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ हेयर के डायरेक्शन में। तो आप लोग भी ऐसे करोगे तभी गाइस आप लोग भी ऐसा रियलिस्टिक हेयर गाइस ड्रॉ कर पाओगे। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, फिर गाइस मैंने टोमो मोनोजीरो इरेजर से गाइस मैंने हाईलाइट दे दिया। आप लोगों को वैसे नहीं है तो आप लोग गाइस अपसे रखकर मैकेनिकल इरेजर से गाइस हाईलाइट दे सकते हो। एंड गाइस जो आप लोग ने शुरू में जो टाइगर का ड्राइंग देखा है उसमें गाइस फॉर ड्रॉ करने के लिए ओनली गाइस मैंने अपसे रखकर मैकेनिकल इरेजर ही यूज़ किया है। तो गाइस फाइनली हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने वाला है। तो आई होप कि गाइस ये टोटल वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं गाइस सेकंड पार्ट में, तो उसमें गाइस हम लोग लक्ष्मी जी को गाइस कवर करने वाले हैं। तो बस, एंड गाइस चैनल में न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ये टोटल वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।